जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन, लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू मापी के लंबित वादों का निष्पादन, नियम विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत दिवस समारोह में हुए शामिल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1,15,00,000,000 के पार पहुंचा। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज। भारत बंद के दौरान नक्सलियों ने चकरदरपुर के पास हावड़ा मुंबई और टोरी लातेहार रेलखंड पर किया विस्फोट। कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। और रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804646 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस समारोह का आयोजन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से किया गया था। किस रिजल्ट्स डैशबोर्ड को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के साथ स्वच्छता के एक नए सफर का शुभारंभ हो चुका है। स्वच्छता के जन आंदोलन में इस नई ऊर्जा को एक मधुर गान के रूप में तैयार किया गया है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र निवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा निभाई गई
उनकी भूमिका और उनके त्याग की सराहना की। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मुताबिक 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। हालांकि इससे पहले वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि राज्य में दूध प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। श्री पटेल ने कल देवघर में कहा कि झारखंड में फल और सब्जी की मांग पर केंद्र सरकार गंभीर है। इस सिलसिले में अगले साल जनवरी में यहां के किसानों और व्यापारियों के साथ सरकार की बैठक होगी, ताकि इसके जरिए उत्पादकों को बढ़ावा के साथ किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने का काम केंद्र कर रही है। इससे पहले उन्होंने कल खूंटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा से मुलाकात की। तो पूर्ण कालखंड है, आदरणीय मुंडा जी के दर्शन होना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। जब मैं अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री था, तब वो मेरे कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा संसदीय जीवन में जो मार्गदर्शन मिलता है, जो वैचारिक निष्ठा के प्रति हमारी दृढ़ता है, अगर उसमें मैं कहूं कि प्यारे लाल जी हों, डॉक्टर साहब हों, उसमें मुंडा जी ऐसे लोग हैं जिनके कारण हम जैसे लोग आज राजनीति में अपने रास्ते पर अडिग होकर चल रहे हैं। मैं गत शायद 3 साल के आसपास के बाद आज मैंने उनके दर्शन किए हैं, लेकिन मेरे मन में था और मैंने अपना लक्ष्य पूरा किया, उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे लगता है इन 2 दिन की प्रवास में अगर सबसे महत्वपूर्ण क्षण कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछेगा तो वो ये है कि मैं खूंटी में बैठकर उनसे आशीर्वाद ले रहा हूं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,300 से नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 11,787 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,787 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.29% हो गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1,15,79,00,000 को पार कर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 65,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुष 64 दवा की प्रौद्योगिकी 46 कंपनियों को हस्तांतरित की है। आयुष 64 को कोरोना के हल्के और बिना लक्षणों वाले रोगियों से लेकर मध्यम श्रेणी के मामलों में असरदार पाया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की पहली लहर से पहले मंत्रालय की विनिर्माण इकाई IMPCL सहित 7 कंपनियां इस दवा को बना रही थी। अब 39 और कंपनियों को इसकी प्रौद्योगिकी सौंपी गई है। इससे दवा के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और इसकी मांग पूरी करने में आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। श्री महतो अब से थोड़ी देर बाद रांची के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयनित समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुढ़बक, अभी इसका 3रा महीना है और क्या हुआ, जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दे अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना कर दे। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहां सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। झारखंड सरकार
आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, MTC का काम है अच्छा। देव जी की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेका और राज्यवासियों को सुख समृद्धि, खुशहाली और अमन चैन की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। के साथ यदा कदा धरती पर इंसान स्वाभाविक की बात है, सिख समुदाय में की तरफ से इस धरती के मनुष्यों को एक अच्छा उपदेश, एक अच्छा इंसान कैसे हम दुनिया में रहें। इन्होंने एक ऐसी आवाज छोड़ी है जिसकी गूंज आज भी हमारे चारों तरफ आज मैं अपनी ओर से सभी सिख भाइयों और भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने देशव्यापी बंद के दौरान कल देर रात हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चक्रधरपुर और लोटा पहाड़ स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ाने की कोशिश की। इस घटना के बाद कई रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया और कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग पर चलाया जा रहा है। वहीं चक्रधरपुर राउरकेला मेमू के परिचालन को रद्द कर दिया गया। इधर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मरम्मती के बाद ही ट्रेनों को गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। उधर लातेहार जिले में भी धनबाद रेल मंडल के टोरी लातेहार रेलखंड के रिजू छूटा डेमू स्टेशन के बीच अप एवं डाउन लाइन पर माओवादियों ने बम ब्लास्ट कर रेल पटरी को उड़ा दिया। इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। सब बोलने के यहाँ सुन,
एक बजे के आसपास ये यहाँ पर एक ब्लास्ट किया गया है, माइनर ब्लास्ट। इसमें अप और डाउन दोनों लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। अभी हम लोग सारे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सर क्या होगा घटना को अंजाम? डेफिनेटली देख के लग रहा है मुझे माओवादियों का ही काम। भारत ने कल रांची में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला कल शाम 7 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। तो एक मैच शेष रहते सील किया। रांची की बल्लेबाजी पिच पर रोहित शर्मा ने टॉस जीत न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। डैरिल मिचेल और मार्टिन गप्टिल ने सदी हुई शुरुआत की। गप्टिल ने पारी में 11 रन बनाते ही विराट कोहली के T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ा। गप्टिल 31 पर दीपक चहर की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ने पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को तेजी दी। चैपमैन 21 पर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। डैरिल मिचेल 31 पर आउट हुए, जिन्हें डेब्यूटेंट हर्षल पटेल ने चलता किया। ग्लेन फिलिप्स ने कुछ अच्छे हाथ जरूर दिखाए, लेकिन 34 पर वो भी हर्षल पटेल का ही शिकार बने। इन बल्लेबाजों के दम पर न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 153 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जीत के लिए मिले 154 रन के लक्ष्य को केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने बौना साबित कर दिया। दोनों के बीच पहली विकेट के लिए 117 रन की दमदार पार्टनरशिप हुई, जहां केएल राहुल ने 65 और रोहित ने 55 रन बनाए। इन दोनों का विकेट टीम साउदी ने लिया। सूर्य कुमार यादव 1 पर आउट हुए, लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा और एक बार फिर ऋषभ पंत ने अपने ही अंदाज में टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत ने 16 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर 155 रन बनाए और न केवल मुकाबले को बल्कि सीरीज को भी अपना बना लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में आज और कल विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा है। बोकारो जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जागरूकता वैन को रवाना किया। मौके पर श्री चौधरी ने सभी BLO को निर्देश दिया कि वे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारियां दें। उधर कोडरमा जिले में भी चुनाव आयोग के निर्देश पर आज और कल मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 27 और 28 नवंबर को भी विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। मेगा कैंप्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो आप कृपया ये सुनिश्चित करें कि अगले 10 दिनों में आप अपने BLO के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करें। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो डोर टू डोर मूव करेंगी। आपके पास आपके निकटतम BLO का नंबर भी होगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी वोटर आईडी कार्ड कन्वर्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ जितने भी छूटे हुए वोटर्स हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर के हों, चाहे आप शादी करके यहाँ आए हों, आपका आधार कार्ड यहाँ का चेंज हो गया, आप सभी से निवेदन होगा कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है, जो 28 नवंबर तक चलेगा। महोत्सव में दुनिया भर के 300 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो 28 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह का संचालन फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता मनीष पॉल करेंगे। महोत्सव में दुनिया भर से 300 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से 5 ब्रिक्स देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म समारोह में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म से लोकप्रिय सीरीज की क्लिप दिखाई जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 रचनात्मक प्रतिभाओं का भी चयन किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर से फीचर श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फिक्शन फिल्मों का चयन किया गया है, जिनके बीच गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत इच्छाया चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत कल से हुई। प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। हमारे समाचार संपादक ने पुरातत्ववेता डॉक्टर एसके भगत से बातचीत की। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत गुमला में एक छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है और हमारे साथ भगत जी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। उनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रदर्शनी है और इसका मकसद क्या है। जी, ये छायाचित्र प्रदर्शनी जो है विश्व विरासत सप्ताह, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, उसके तहत ही लगाई गई है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि छायाचित्र के माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो सामान्य जनमानस है, वो अपने विरासत के प्रति जागरूक बने, ये उद्देश्य होता है। इसलिए हम उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। किस तरीके से लगता है कि जो बच्चे हैं, हमारे यूथ्स हैं, स्कूल में पढ़ने वाले जो हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इन जगहों पर लाना चाहिए ताकि उनको अपनी इतिहास और धरोहर के बारे में पता चले। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं हमारे। आज की पीढ़ी जब इन चित्रों को देखती है तो, और उनको जब ये पता होता है कि ये हमारे पूर्वजों की देन है, तो ये सीधे सीधे उनका जुड़ाव इससे पैदा होता है। और जब एक बार हम अटैचमेंट पैदा कर देते हैं तो हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। तो यही उद्देश्य है कि उनको, उनके प्रति, उनके दिमाग में, उनका जो अभी बालपन का मस्तिष्क है, उसमें ये बैठ जाए कि ये हमारी विरासत है और इसको हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना है, तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। किस तरीके से छायाचित्र के जरिए जो हम कह सकते हैं कि पूरे देश की जो धरोहर है उसको आप लोगों ने यहाँ पर फलक पर लाने की कोशिश की है, इंगित किया, तो क्या कुछ इसकी खासियत है थोड़ा बताएं। जी, अभी विश्व में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, करीब 1100 के साइट्स हैं, उसमें से 40 हमारे भारतवर्ष में हैं और उस 40 में से 32 करीब सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 जो हैं प्राकृतिक महत्व के हैं और 1 जो है मिश्रित प्रॉपर्टी है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, उस 32 विश्व विरासत के स्थल हैं उसमें से ज्यादातर स्थल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसकी देखरेख कर रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये अपने आप में एक गौरव का विषय है और इसलिए हम चाहते हैं कि जनता इस चीज को समझे, जाने और उनके मन में अपनी विरासत के प्रति संचेतना हो। एक सवाल और कि गुमला में जहां ये प्रदर्शनी लगी है वहां नवरत्नगढ़ जैसा किला है, तो उन जैसे धरोहरों को भी संजोने का कुछ प्रयास हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और इसका बैकग्राउंड में मैं 2 मिनट बताना चाहूंगा कि रांची मंडल जो है पूरे झारखंड के जो भी हमारे धरोहर है उनकी देखरेख करता है। लेकिन अभी तक मैंने ये महसूस किया कि जो हमारी गतिविधियां हैं आम लोगों को जोड़ने की, वो रांची या इसके आसपास तक ही केंद्रित थी। तो पिछले 2 साल पहले नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। घोषित करने के बाद चूंकि हम लोग कोरोना के इससे गुजर रहे थे, प्रकोप से, तो हम आयोजन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिला तो हमने ये निर्णय किया कि ये कार्यक्रम सबसे पहले गुमला में आयोजित होना चाहिए, क्योंकि गुमला के सिसई में स्थित नवरत्नगढ़ किला को विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किया गया। किले की खासियत पर डालते हैं एक नजर। नवरत्नगढ़
किले की क्या खासियत है, बकायदा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से उसकी जानकारी भी पूरी तौर पर दी गई है। और लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसके जरिए वो जान सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है ये गुमला के कहाँ पर अवस्थित है। और नवरत्नगढ़ किला का जो निर्माण है वो छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाल के द्वारा करवाया गया था। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास में कराया गया था, जब भारत में मुगल शासक जहांगीर राज कर रहे थे। झारखंड के नागवंशियों का एक और गौरवशाली इतिहास रहा है। दुर्जन शाल के मुगलों द्वारा कैद से छोड़े जाने के उपरांत उसने इस किले की रूपरेखा तैयार की थी। तदुपरांत उनके द्वारा उक्त स्थल पर अपने कल्पना को शानदार रूप देते हुए किले का निर्माण कराया गया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है, जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। इसके अंतर्गत यहाँ किला परिसर में मुख्य किला है, राज दरबार है, रानी का तालाब है, रानी महल है, दुर्गा मंदिर है, लुका छिपी मठ है और जगन्नाथ मंदिर भी बनाया गया था। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार इस दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहेंगे। हालांकि आज सवेरे से धूप छांव का खेल जारी है, इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को दिन में ठंड कम लग रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत दिवस समारोह में हुए शामिल। स्वच्छ सर्वेक्षण को 2021 के पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1,15,00,000,000 के पार पहुंचा। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज। भारत बंद के दौरान नक्सलियों ने चक्रधरपुर के पास हावड़ा मुंबई और टोरी लातेहार रेलखंड पर किया विस्फोट, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। और रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त। छोटा नागपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात होती है